हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टोरी बीट ऐप कैसे यूज करते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल कर आप ट्रेंडिंग बीट वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप स्लाइड शो से भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो अपना मनपसंद म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पोस्ट बनाने के लिए यानी फोटो एडिट करने के लिए भी ढेर सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो एक क्लिक में आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके एक फ़ोटो वाली टेम्पलेट पर भी अपना जो पोस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो या फिर फोटो क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस ऐप को फ्री में यूज़ करना है, यानी कि इसमें जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस है उसके लिए पैसे पे करने होते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्री में यूज़ करना है। वीडियो पूरा देखिए, आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से स्टोरी बीट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है स्टोरी बीट। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करोगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आएगी। इसका आइकन आप देख लीजिए, आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिएगा। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंडिंग बीट वाली वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे ऊपर ही आपको ट्रेंडिंग नाम से ऑप्शन दिखेगा। साइड में आपको व्यू ऑल लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जितने भी बीट वाले ट्रेंडिंग टेम्पलेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी टेम्पलेट पर खुद की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद है टेम्पलेट आप उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही वो जो टेम्पलेट है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट दिस ट्रेंड पर क्लिक करना है और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे आप फोटो सेलेक्ट करोगे उसके बाद नीचे की साइड आपको या अब जहाँ पर लिखा गया है अप टू 6 फाइल्स, ये आपको एक्टिवेट होता हुआ दिख जाएगा। देख सकते हो आप, लिखा हुआ आ चुका है 5 मोर टू कंटिन्यू, यानी मतलब आप 4 फोटो और सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर आप अभी से वीडियो बना सकते हो। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपकी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर प्रीसेट वाले बटन पर क्लिक कर आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, सभी फ्री हैं। उसके बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप पूरे वीडियो की एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक कॉन्ट्रास्ट घटा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, सेचुरेशन भी है, हाईलाइट, शैडो, फेड सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ से हम डन कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो वीडियो में तो यहाँ पर आप टाइप करके डन कर दीजिए और उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ पर आप वीडियो के अंदर इसे प्लेस कर सकते हो। लास्ट में आपको स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कोई भी स्टिकर सर्च कर ऐड कर सकते हो वीडियो पर या फिर बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर दिया गया है वहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब अप्लाई करने के बाद ऊपर आपको शेयर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए मेन बात आती है, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा आप 1250 रुपये दीजिए ताकि आपका वीडियो गैलरी में आपके सेव हो जाए, यानी जो इनका प्रीमियम है वो बाय करने को बोला जा रहा है। तो आपको प्रीमियम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको लिखा मिल जाएगा फ्री एक्सपोर्ट और वाचिंग एन ऐड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐड आ जाएगा। अब इस ऐड को आप कंप्लीट वॉच करिएगा, उसके बाद आपको फ्री में गैलरी में सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हो आप, ऐड हमारा कंप्लीट वॉच हो चुका है। अब आपको कट वाले बटन पर क्लिक करना है। देख सकते हो आप, हमारा वीडियो आ चुका है। अब नीचे की साइड आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। स्लाइड शो वीडियो बनाने का ऑप्शन आपको नीचे की साइड मिलेगा। देखिए लिखा गया है स्लाइड्स, इस पर आप क्लिक कर व्यू वॉल पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद स्लाइड शो के जितने भी टेम्पलेट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा, वही टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करना है जो आपको पसंद आए। अब यहाँ पर जितना चाहे उतना फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका वीडियो ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो आपका वीडियो बन चुका है। ऊपर आपको करेक्ट का टिक मार्क दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। म्यूजिक पर क्लिक कर आप अपने फाइल मैनेजर से कोई भी सॉन्ग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ भी आपको ऑनलाइन भी सॉन्ग मिल जाते हैं तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद वही सब ऑप्शन आपको दोबारा से मिल जाते हैं। प्रीसेट है, एडजस्ट है, टेक्स्ट है, स्टिकर है, तो ये सब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर सेव का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। फिर वही ऑप्शन आपको मिल जाता है, फ्री एक्सपोर्टिंग करने के लिए आपको ऐड वॉच करना होगा। तो इस पर क्लिक कर आप ऐड को वॉच करिएगा और उसके बाद आपको फ्री में गैलरी में सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप बड़े ही आसानी से अपनी वीडियो को गैलरी में सेव कर पाओगे। तो यही है तरीका इस ऐप को यूज़ करने का और वीडियो सेव करने का। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। स्लाइड शो के अलावा यहाँ पर आपको टेम्पलेट नाम से ऑप्शन मिलेगा, तो इसके थ्रू आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो आप एडिट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर दो फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दो फोटो सेलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हो दोनों फोटो यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ से जितना फोटो दिया गया आप उतना फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हमने तीन फोटो सेलेक्ट कर दिया, तो देख सकते हो आप इस तरीके से तीन फोटो वाला एक टेम्पलेट आ चुका है सामने। तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी पोस्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। यहाँ पर ये बेसिकली पोस्ट एडिट करने के लिए ही दिया गया है। आप इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप कर आप और भी टेम्पलेट देख सकते हो, मतलब जो फोटो आपने सेलेक्ट किया है वो हर टेम्पलेट पर किस तरीके से दिखेगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो भी टेम्पलेट आपको सूट करता है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक करके आप उसे सेव कर सकते हो या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन नहीं है तो।
अब यहाँ पर नीचे की साइड आपको प्रीसेट का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर आप कोई भी प्रीसेट पर सेम उसी तरीके से अपनी वीडियो और पोस्ट बना सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।